मुरादाबाद में कोरोना के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वहीं अब तक शहर में 53 हॉटस्पॉट एरिया भी बन गए हैं जहां से कोरोना के मरीज मिलते जा रहे हैं, तो वहीं इसी को लेकर सुरक्षा और सतर्कता भी शुरू हो गई है। इसी को लेकर मुरादाबाद के नगर निगम कार्यालय में अपर आयुक्त नगर निगम ने सतर्कता के लिए एक नई पहल की है। उन्होंने अपने दफ्तर में एक प्लास्टिक का पर्दा अपने डेस्क और चेयर और आगंतुकों के बीच लगा दिया है। उनका कहना है क्योंकि वह पूरे शहर में घूमते हैं, साफ सफाई का काम देखते हैं, टचिंग ग्राउंड में भी जाते हैं। हालांकि वह पूर्व में इन सभी चीज़ों को लेकर भी पूरी सावधानी बरतते रहे हैं, लेकिन उनको कोरोना के संक्रमण का खतरा हो सकता है और इसी दौरान कोई आगंतुक शिकायती अपनी समस्या को लेकर उनके ऑफिस में भी आता है, तो ऐसे में कहीं उनसे संक्रमित ना हो जाए, इसी को लेकर उन्होंने यह पहल शुरू की है। देखिए, नगर निगम के हम अधिकारी कर्मचारी विभिन्न क्षेत्रों में रेड जोन में और कंटेनमेंट एरिया में घूमते रहते हैं और काम करते रहते हैं। कई बार हम ट्रेंचिंग ग्राउंड पे काम करते हैं, उसको हम पुनः संचालित कराते हैं। तो हम कहीं किसी ऐसे साइलेंट कैरियर ना हो और हमसे कोई आम जनता जो लोग आते हैं अपने काम कराने के लिए, कहीं उनसे उनको हमसे प्रॉब्लम ना हो जाए, इन सब चीज़ देखते हुए हमने अपने नगर निगम कार्यालय में जब एंट्री करते हैं तो वहाँ पर हमने थर्मल स्कैनर सब हाथ धोने की व्यवस्था और वहाँ पे जो प्रवेश करते हैं सुबह 10 से 5 बजे के बीच में एक रजिस्टर मेंटेन करा रहा हुआ कि भाई आपको खांसी जुकाम इस तरह का तो नहीं, पर जब आप अंदर ऑफिस में आते हैं तो आपको सैनिटाइज मिलता है, सब बाहर साबुन रखता है। तो हम लोग हमारे स्टाफ सभी लोगों को जितने आगंतुक हैं उनको प्रेरित करते हैं कि हाथ धोएं, सैनिटाइज का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। इसी को देखते हुए हम लोगों ने ऑफिस के सामने टेबल के सामने एक एक ट्रांसपेरेंट ये सेफ्टी पर्पज से भी लगाया है ताकि कहीं हमसे किसी अन्य व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसको रोकने के लिए सब चीज़ें व्यवस्था की जाए।